तो क्या हाल चाल है मेरे भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिस्टिन व्हील्स में। तो दोस्तों, सेकंड हैंड गाड़ी लेने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, क्या चीज़ देखनी चाहिए गाड़ी के अंदर सेकंड हैंड गाड़ी लेने से पहले या लेने के बाद, गाड़ी के बाहर क्या देखें, गाड़ी के अंदर क्या देखें, इंजन में क्या देखें, सारी चीज़ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सब कुछ एक एक करके कवर करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, कई लोग होते हैं जो सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने से पहले उनको कोई नॉलेज नहीं होती, वो जाते हैं अपने आप ही खरीद लेते हैं गाड़ी, उसके बाद वो मैकेनिक के गेड़े काटते हैं। तो वो काम आप लोगों के साथ ना हो, तो इसलिए हम ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं ताकि आपको पता लग जाए कि सेकंड हैंड गाड़ी लेने से पहले आपको क्या क्या चीन की चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ें देखनी है आपको, जिससे आपको एक बढ़िया और अच्छी सी गाड़ी मिल जाए, जिससे आप मैकेनिक के चक्कर ना काटें और बढ़िया गाड़ी मिल जाए। तो चलिए आपको दिखाते हैं एक एक करके। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने हर उस फ्रेंड के साथ जो नवी या सेकंड हैंड कार परचेज करना चाहता है। आपको इस चैनल पे गाड़ी से रिलेटेड हर तरह की वीडियो मिल जाएगी, चाहे वो सेकंड हैंड कार के ऊपर हो, न्यू कार के ऊपर हो, या गाड़ी चलाना कैसे सीखें, या सेकंड हैंड गाड़ी लेने से पहले क्या क्या देखें, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले करते हैं बात बम्पर की। तो आइए सबसे पहले बम्पर देख लेते हैं, क्योंकि ये भी एक मेजर चीज़ है, इसको भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि हम बड़ी बड़ी चीज़ें देख के ले लेते हैं, जैसे कि इंजन हो गया, टायर हो गया, बाकी चीज़ें हो गया, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पे हमारा ज़्यादा पैसा लग जाता है। तो वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि हमें क्या क्या चीज़ देख के ले, छोटी भी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं टाटा का लोगो ही नहीं है, तो ये भी चीज़ें देखनी पड़ेगी ना, क्योंकि 250 रुपये का ये भी लोगो मिलेगा, तो वो चीज़ें देखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ा खर्चा बना देगी। तो देख, सबसे पहले बात करते हैं आप बम्पर की। तो ये 2007 मॉडल है टाटा सफारी, उस हिसाब से बम्पर तो थोड़ा बहुत रीपेंट होता ही है। ये सामने यहाँ पे ये स्क्रैचेस वगैरह लगे हुए हैं, तो ये आम बात है, ये तो होता रहता है, कोई बात नहीं। बाकी हेडलाइट की बात कर लेते हैं, तो हेडलाइट वगैरह इसकी गाड़ी के साथ ही है, ओरिजिनल है, क्योंकि ये उस गाड़ी के साथ ही है, तो थोड़ी बहुत पुरानी हो चुकी है, तो देख सकते हैं आप। उसके बाद बोनट की बात कर लें, बोनट ये रीपेंटेड बोनट है, इसे आप बता सकते हैं, शायद कैमरे में ना दिख रहा हो, बाकी मैं बता दूँ, ये रीपेंटेड बोनट है, क्योंकि इसके इस कलर के अंदर और ये सामने वाले कलर में फ़र्क है, शायद आपको कैमरे में ना दिख रहा हो, पर ये इसमें दोनों में फ़र्क है। तो ये रीपेंटेड है, लोग कोई दिक्कत नहीं है, जब इतना मॉडल पुराना होता है तो रीपेंट हो जाता है। तो मेन चीज़ है जो इंजन हो गया, टायर हो गया, उसकी भी बात करेंगे, पहले ये छोटी छोटी चीज़ों की बात कर लेते हैं। अब दूसरी बात कर लेते हैं, ये अगर गाड़ी कोई एक्सीडेंट हो तो उसको कैसे पहचाने, कहीं उसका पहचानने का उसका आसान तरीका मैं बता देता हूँ। अगर साइड से लगी हो तो आपको पता लगेगा, अगर हम गेट खोलते हैं और बंद करते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। सबसे पहली बात तो ये, जैसे कि आप ये देख रहे हैं टाटा सफारी, इसको हम खोल रहे हैं, एकदम प्यार से खुल रहा है और इजीली बंद हो जा रहा है ये। लेकिन अगर एक्सीडेंटल गाड़ी होगी तो वो दिक्कत करेगी, आवाज़ करेगी, या यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गैप देख रहे हैं, यहाँ पे ये गैप या फिर बंद हो जाएगा गैप या फिर खुल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पता लग जाएगा, आप यहाँ से देख के बता सकते हैं कि गाड़ी एक्सीडेंट है या साइड से। बाकी जो आगे से एक्सीडेंट है वो भी उसके बारे में बताएंगे आपको। चलिए पिछले गेट की बात कर लेते हैं, तो पिछला गेट भी सेम आपको यही देखना है, यहाँ पे गैप देख लेना है, यहाँ पे गैप देख लेना है, गैप बराबर है आपके हिसाब से, बढ़िया गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए गेट आराम से खुल रहा है, इजीली बंद हो रहा है, आराम से खुल रहा है, इजीली बंद हो रहा है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें कोई नहीं बताएगा आपको, सब हर वीडियो में हर कोई बताया था कि अपने बस टायर देखना है, इंजन देखना है, उसके अलावा कुछ नहीं देखना, गाड़ी परचेज करिए चलाइए। लेकिन बाद में फिर कस्टमर को बहुत दिक्कत होती है, वो मैकेनिक के चक्कर काटता है, डेंटर के चक्कर काटता है, पेंटर के चक्कर काटता है, इलेक्ट्रिशियन के चक्कर काटता है, सीट कवर वाले के चक्कर काटता है। तो वो सारी छोटी छोटी चीज़ें हम कवर कर देंगे आपको इस वीडियो में, ताकि आपको भागना ना पड़े, आपको एक ही वीडियो देख के आपको पता लग जाए कि कैसी हम सेकेंड हैंड कार खरीदें जो हमारे लिए बेस्ट हो। तो अब पीछे से बात कर लेते हैं, तो पीछे के बम्पर की बात कर लें सबसे पहले। तो पिछला बम्पर भी इसका रीपेंट है, पुरानी गाड़ी है तो बस ये बात है कि पेंट होगा ही होगा। तो 2007 मॉडल है, तो ये वाला बम्पर भी इसका पेंट है पीछे। और बाकी इसकी डिक्की की बात कर लेते हैं, तो डिक्की कहीं पीछे से तो नहीं कोई एक्सीडेंट हुई गाड़ी, वो भी देख लेते हैं। तो आपको ये देखिए, ये ईजिली बंद हो रहा है और ईजिली खुल रहा है, कोई ना जैसे दरवाज़ा खोल, पुराने दरवाजे खोलते में जो चू चू की आवाज़ आती है, वो कोई ऐसी आवाज़ नहीं है। तो इससे समझ आता है कि पीछे से गाड़ी नहीं लगी हुई है, कभी भी नहीं बजी हुई, गाड़ी एकदम ओरिजिनल है, नॉन एक्सीडेंटल। बाकी अंदर से देख लेते हैं हम, आइए संजय भाई इधर से अंदर से दिखा दीजिए एक बार, पीछे से गाड़ी ये हटा के जरूर देखें ये सब चीज़ें, कहीं पीछे से गाड़ी सड़ी तो नहीं है, जैसे कहीं जंग तो नहीं लगा पीछे, ये जरूर ये देखना आपको, मैं दिखा देता हूँ आपको। कोई भी गाड़ी लें, ये देखिए इसकी अंदर की बॉडी कुछ देख रहे हैं आप, कोई एकदम सड़ी नहीं है, गली नहीं है, एकदम नवी गाड़ी अंदर से देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी के अंदर एकदम। तो ऐसे आप देख सकते हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए पीछे सड़ी हुई है गाड़ी, ठीक है,
आप बरसात में चले गए, आप तो अंदर बैठे हुए, पीछे से पानी भर गया गाड़ी के अंदर, तो वो भी तो है ना, वो भी देखना है ना आपने, तो ये सब चीज़ें जरूर देखें। ये सेवन सीटर ऐसी हुई है तो इसके अंदर स्टेपनी वगैरह नहीं लगी हुई है, जो लेकिन जो स्टेपनी वाली गाड़ियाँ होती है ना, जो पीछे उसके अंदर गाड़ियाँ सड़ जाती है, वो पीछे से उसकी जो बॉडी होती है वो सड़ जाती है, वो आपको देखना जरूरी है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये तो थी डीजल गाड़ी, और बात कर लेते पेट्रोल गाड़ियों की। जो पेट्रोल गाड़ियाँ होती हैं, या छोटी हो बड़ी हो, लोग उसको उसकी एवरेज को इनहेंस बढ़ाने के लिए सीएनजी इंस्टॉल करा लेते हैं। उसका कैसे पता लगाएं कि जैसे कि आपने कोई सीएनजी गाड़ी ली, जैसे कि मेरे पास है गाड़ी है कोई, मैंने सीएनजी लगवा ली, उस पर मैं चला रहा हूँ, आगे मैंने उसको सेल करनी है ना, तो लोग ज़्यादातर ये करते हैं कि उसकी सीएनजी निकलवा देते हैं और बिना सीएनजी के बेचते हैं आगे कस्टमर को, बिना सीएनजी के बेचते हैं, उनको ये बताते हैं कि इसमें सीएनजी कभी लगी ही नहीं थी। लेकिन वो भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जो सीएनजी वाली गाड़ी होती है और जो पेट्रोल वाली गाड़ी होती है उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है दोस्तों। जो पेट्रोल वाली गाड़ी होती है वो ज़्यादा अच्छी चलती है, वो मिसिंग वगैरह नहीं करती है, लेकिन जो सीएनजी वाली गाड़ी होती है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, जो बाहर से लगाया हुआ आफ्टर मार्केट जो लगाया जाता है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, बाकी जो इन फिटिंग जो कंपनी से फिटिंग आती है उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो बाहर से फिटिंग कराया होता है उसमें दिक्कत होती है। तो उसका कैसे पता लगाएं? सबसे पहले तो आपको पता लग जाएगा यहाँ पे सिलेंडर लगा होता है, छोटी गाड़ियों में यहाँ सिलेंडर होता है लाल कलर का, आपने देखा होगा। तो अगर वो नहीं है इसके अंदर तो आप पता लगा सकते हैं कि क्या है, लगा था या नहीं लगा था। तो यहाँ पे आपको एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक दो इस साइड यहाँ पे छेद कर देते हैं, तो आप छेद देके पहचान सकते हैं, यहाँ सुराख होता है वो देके पहचान सकते हैं आपकी इसमें सीएनजी इंस्टॉल थी या नहीं थी, या आगे भी पता लग जाता है बोनट खोल के, वहाँ से भी बता देंगे आपको। तो दोस्तों पढ़ते हैं अगले गेट की तरफ। इस गेट का भी सेम वही है जो आपको वहाँ बताया था, सेम वही आप यहाँ भी आपको देखना है। एक और बहुत ज़रूरी बात जो लोग नहीं पहचान पाते या कुछ भी, ये चीज़ देखिए, गाड़ी सारी पेंट हो जाती है लेकिन ये चीज़ कभी पेंट नहीं होता है, बाहर से तो होता है अंदर से नहीं होता है। तो अगर आपको पहचानना है कि रीपेंटेड गाड़ी है पूरी की पूरी, तो वो भी आप पहचान सकते हैं। इसको ओपन करना है इजीली आपने, और इसका जो पेंट है और इस गाड़ी का पेंट है ये मैच कर लेना है आपने, आपको पूरा पता लग जाएगा कि गाड़ी रीपेंटेड है या नहीं है। वैसे अगर रीपेंटेड भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चलता है, पर मेन चीज़ अपना इंजन होता है, टायर्स होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो ये बात उस गेट की बात होगी, अब इस गेट का भी देख लेते हैं, कहीं इस गेट में तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर इस साइड से तो कोई गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है, तो उसका भी हमें इजीली वैसे पता लगाना है। ये गैप देखना है सबसे पहले, इस गैप बराबर होना चाहिए आपके हिसाब से भी, और इधर से भी गैप बराबर होना चाहिए, बाकी आपने बस इजीली ओपन करना है, बंद करना है, ओपन करना है, बंद करना है, आपके हिसाब से बस इजीली बंद होनी चाहिए और ओपन होनी चाहिए। जैसे ये आराम से ओपन हो जा रही है और ये इजीली बंद हो जा रही है, बस यही देखना होता है गेटों में। बाकी पेंट का बता दिया आपको मैंने कैसे चेक करना है, बाकी यहाँ से भी बता दिया, इसका भी यही सेम ऐसा प्रोसेस है, इसको भी देखना है, बंद करना है, खोलना है बस। तो फ्यूल बॉक्स का ढक्कन खोल के आपने, मैंने बताया आपको कि वहाँ से आप पेंट चेक कर सकते हैं गाड़ी रीपेंटेड या नहीं है। एक और तरीका है चेक करने का, वो भी आपको बता देते हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी लेने जा रहे हैं। तो ये होती है पट्टी, जैसे बारिश वगैरह होती है तो पानी अंदर ना घुसे उसके लिए होता है, तो आपने इजीली इसको नीचे कर देना है ऐसे, और जो इसका पेंट और इस गाड़ी का पेंट, ठीक है, इसका पेंट और इसका पेंट या छत का पेंट, जहाँ से भी आप मैच कर सकते हैं इसको मैच कर सकते हैं। अगर ये आपको लग रहा है सेम है कलर तो ओरिजिनल है, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ओरिजिनल पेंट है, हो गया। तो चलिए टायर की तरफ बढ़ते हैं, टायर भी देखना बहुत ज़रूरी है हमें, क्योंकि टायर भी एक मेजर चीज़ है, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो टायर देख लेते हैं एक बारी, तो टायर आपको इजीली दिख जाएगा आपको कितना कितने परसेंट आप चल जाएगा टायर, वो तो आप देख ही बता सकते हैं। बाकी अलाइनमेंट वगैरह जो सस्पेंशन की बात होती है वो भी बताना, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है, तो वो आप नहीं देख सकते हैं, अगर आपको नॉलेज है तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं देख सकते, आपको मैकेनिक की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए, क्योंकि वो अंदर घुस के या चला के बता देगा आपको कि सस्पेंशन की दिक्कत है। लेकिन आप पहचान सकते हैं, जैसे कि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो अगर आप ऑफ रोडिंग में चलाते हैं ना, तो नीचे से कुछ अगर एक्स्ट्रा कोई आवाज़ आती है, जैसे कि आप पहले अगर गाड़ी चलाते हो उसमें आप चलाते हो, इस गाड़ी जो आप दूसरी चला रहे हो, तो अगर इन दोनों में कोई फ़र्क आपको दिख रहा है कि हाँ इसके अलावा जो गाड़ी में आवाज़ आ रही है ये पहले जो गाड़ी चलाता था उसमें नहीं आ रही है, तो सस्पेंशन की दिक्कत हो सकती है, आप सस्पेंशन चेक करा सकते हैं मैकेनिक से, आप नहीं बचा सकते, तो उसके लिए मैकेनिक की लोड पड़ेगी आपको। बाकी मैं एक बार कैमरा दिखा देता हूँ अंदर से कि क्या कैसा होता है, दिखा दो संजय भाई, दिख रहा कुछ दिखा। तो सस्पेंशन आपको कुछ दिखा देते हैं टायर के यहाँ से, तो ये होती है कुछ सस्पेंशन, ये रबड़ होती है, ये एंड वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें देखनी होती है, ये सस्पेंशन होती है,
यहाँ से ही काफ़ी गाड़ियों में आवाज़ आती है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। वैसे आप नहीं चेक कर सकते, आप मैकेनिक को दिखा सकते हैं एक बारी, वो आपको चेक करके अच्छी सलाह दे देगा। दोनों साइड भी चेक करनी होती है, सेम आपको इस साइड भी यही चीज़ देखनी है। सस्पेंशन, तो चलिए दोस्तों सबसे मेन चीज़ के तरफ पढ़ते हैं, जो है गाड़ी का इंजन, जो देखना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आप खुद चेक कर सकते हैं, अगर नॉलेज नहीं है तो आप अपने साथ मैकेनिक को ले जाए किसी, वो आपको देख के अच्छी सलाह दे देगा क्या ठीक है इसमें, वो बता देगा आपको कैसी गाड़ी है। तो चलिए इंजन की तरफ चलते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको इंजन में आप क्या क्या देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है कुछ हमारे टाटा सफारी का इंजन, तो आप देख सकते हैं इंजन की हालत। आपको इंजन इसका बहुत बढ़िया है, अब आपको देखना क्या क्या है इसमें गाड़ी लेते समय वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो ये रेडिएटर हो गया, जैसे कि आपको पता है, ये एयर फिल्टर हो गया, ठीक है जी, ये स्टेयरिंग, ये पावर स्टेयरिंग का पंप हो जाता है, ये बैटरी हो जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसमें देखने लायक है। जैसे कि ये पावर स्टेयरिंग का ऑयल यहाँ डलता है, इस सबसे पहले आपने देखना है इसमें कोई लीकेज तो नहीं है, इंजन में कोई लीकेज तो नहीं है। आप देख सकते हैं इंजन में कोई लीकेज नहीं है, इंजन एकदम सूखा पड़ा हुआ है। आपने लीकेज चेक करना बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कोई लीकेज हो रही है, आपने इग्नोर मार दिया उसे, गाड़ी ले ली, आप रास्ते में चला रहे, तेल लीक होता जाएगा, जैसे तेल ख़त्म हो जाएगा गाड़ी में, आपकी गाड़ी सीज भी हो सकती है। तो उससे बचने के लिए आपको सबसे पहले आप चेक करें कि कहीं भी कोई भी लीकेज तो नहीं है। बहुत चीज़ें होती हैं गाड़ी में, जैसे कि ये पावर स्टीयरिंग ऑयल हो गया, ब्रेक ऑयल हो गया, क्लच ऑयल हो गया, कूलेंट वगैरह हो गया, डीजल पंप हो गया, कुछ भी लीक नहीं होना चाहिए गाड़ी में। तो दोस्तों कुछ ये थी मेजर चीज़ें जो आपको गाड़ी लेने से, सेकेंड हैंड गाड़ी लेने से पहले आपको देखनी है इंजन के अंदर। बाकी नीचे से भी हम आपको दिखा देंगे कि गाड़ी कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है, नीचे कोई सील लीक तो नहीं है गाड़ी के अंदर, वो सारी चीज़ें भी दिखाएंगे आपको, नीचे बढ़ के मैं दिखाऊंगा आपको। अब चेक कर लेते हैं गाड़ी एक्सीडेंटल की बात, कहीं गाड़ी एक्सीडेंट तो नहीं है, कहीं गाड़ी के गोड्डे तो नहीं मुड़े हुए, वो देख लेते हैं आप। सबसे पहले आपको पता लग जाएगा आप गाड़ी चलाएंगे, अगर एक्सीडेंट गाड़ी होगी तो आप सबसे इजीली तरीका मैं बता देता हूँ आपको पहचानने का कि गाड़ी एक्सीडेंट है या नहीं है। सबसे पहले आप गाड़ी ड्राइव करेंगे तो जो उसका स्टेयरिंग है आप सीधा करके स्टेयरिंग छोड़ दीजिए, अगर वो एक साइड को भाग रही है गाड़ी, या लेफ्ट या राइट, जिस भी साइड भाग रही है, वो अगर राइट भाग रही है तो राइट साइड से गाड़ी ठुकी हुई है, हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है ठुकी है, क्या पता स्टेयरिंग में भी दिक्कत हो सकी, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि अगर आप सीधा गाड़ी चला रहे हैं, अगर आपने गाड़ी स्टेयरिंग छोड़ा, वो एक साइड भाग रही है, तो गाड़ी हो सकता है कि एक्सीडेंटल हो। तो उसको पहचानने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको, ये एयर फिल्टर है, इसके नीचे दिखा देते हैं आपको, ये गोड्डे होते हैं गाड़ी के, शायद आपको प्रॉपर ना दिख रहा हो, मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की। तो दोस्तों आपको ऊपर से भी इंजन दिखा दिया हमने, अब गाड़ी के नीचे चलते हैं और वहाँ से भी आपको इंजन की दिखा देते हैं कि क्या कंडीशन है इंजन की, कोई गाड़ी में लीकेज वगैरह तो नहीं है, कोई सील लीक तो नहीं है, कोई तेल लीक तो नहीं हो रहा है, वो भी दिखाते हैं आपको अंदर चल के। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर नीचे, संजय भाई। तो दोस्तों ये है हमारा टाटा सफारी का इंजन, तो आप देख सकते हैं गाड़ी का ये है चैम्बर, तो आप देख सकते हैं चैम्बर लीक हो रहा है, कहीं ना कहीं से तेल लीक हो रहा है इसमें अभी भी। यही चीज़ जो देखने वाली होती है ना मेरे दोस्तों भाइयों, यही चीज़ें ही देख के, छोटी छोटी चीज़ें देख के ही आप गाड़ी परचेज करें तो बहुत बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। अब जैसे इसमें तेल लीक हो रहा है, मान लीजिए आपने परचेस कर ली गाड़ी, आपने नीचे घुस के नहीं देखा या मैकेनिक को नहीं दिखाया, किसी से नहीं पूछा, आपने ये गाड़ी परचेस कर ली, बाद में आप इसे लॉन्ग ड्राइव पे ले जा रहे हैं या कहीं भी लेके जा रहे हैं, रास्ते में इसका एक एक बूंद तेल निकलता गाड़ी का तेल ख़त्म हो जाए और गाड़ी सीज भी तो हो सकती है ना वहाँ पे, तो और नुकसान तो आपका ही होगा ना। इससे बढ़िया है कि आप पहले ही गाड़ी चेक कर लीजिए कि क्या, आप छोटी छोटी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसमें जैसे तेल लीक हो रहा है, इसका कोई सील लीक है या कोई नट लीक होगा या कोई नट लूज़ होगा, वो आप मैकेनिक को ही दिखाएंगे, वो पता लग जाएगा फिर उसके बाद। बाकी दोस्तों सस्पेंशन की बात रही तो ये है सस्पेंशन कुछ गाड़ी का, जो कि ऐसे नहीं पता लगेगा कि ख़राब है क्या ठीक है। ये रबड़ वगैरह होती हैं, ये आप देख सकते हैं इसकी रबड़ भी ख़राब है ये, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें देखना होगा, ये आप नहीं देख सकते, आप इसको मैकेनिक को ले जाएं अपने साथ, वो आपको देख के बता देगा। बाकी हम चला के भी दिखाएंगे गाड़ी, स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको कि गाड़ी के अंदर कोई एक्स्ट्रा नॉइज़ तो नहीं आ रही है, बाकी चला के भी दिखा देंगे कि सस्पेंशन में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पहले चलते हैं गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाते हैं, फिर मीटर में भी दिखाते हैं आपको, मीटर में भी अंदर से भी आपको क्या क्या देखना है गाड़ी लेने से पहले। तो पहले गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाते हैं, उसके बाद अंदर जाके आपको मीटर भी दिखाते हैं।
दोस्तों आपको इंजन दिखा दिया हमने नीचे से ऊपर से, एक बार गाड़ी की नॉइज़ भी चेक कराए थे आपको कि गाड़ी की नॉइज़ कैसी है। तो संजय भाई एक बार गाड़ी को स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों जैसे कि आपको हमने इसकी नॉइज़ भी सुनवा दी स्टार्ट करके गाड़ी को कि कैसी नॉइज़ आ रही है। डीजल गाड़ी है तो इतनी नॉइज़ होती है गाड़ी में, क्योंकि एसयूवी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है तो इतनी नॉइज़ होती है, छोटी गाड़ी में थोड़ी कम होती है। जितना ज़्यादा इंजन होता है उतनी ज़्यादा नॉइज़ भी होती है। तो आ चुके गाड़ी के अंदर, गाड़ी के अंदर भी आपको देखना है कुछ कि गाड़ी में कोई चीज़ टूटा फूटा तो नहीं है, कोई डैशबोर्ड में कोई दिक्कत तो नहीं है, या स्टेयरिंग व्हील का व्हील में कोई दिक्कत तो नहीं है, या ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको देखना बहुत जरूरी है। जैसे गियर लीवर हो गया, ये एक्स्ट्रा तो नहीं हिल रहा है, इसमें भी इसके भी बूस वगैरह होते हैं जो कट जाते हैं टाइम के हिसाब से। तो ये गियर लीवर जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो ये अपने आप ऐसे वाइब्रेट करते हैं, वो तो नहीं कर रहा है, वो भी आपको स्टार्ट करके दिखा देंगे। बाकी एक गाड़ी की कंडीशन दिखा देते हैं आपको, आपको क्या क्या चीज़ देख लेनी चाहिए गाड़ी में। बस आपको गाड़ी की कंडीशन देख सकते हैं आप कि कैसी गाड़ी है, अंदर से साफ़ होनी चाहिए, कोई चीज़ में कोई दिक्कत नहीं, सीट कवर वगैरह फटे तो नहीं है, ये सब चीज़ें देख ली आपने। अब चलते हैं मेन चीज़ की तरफ जो है इसका मीटर कंसोल। तो आपको मीटर कंसोल भी दिखा देते हैं क्या कैसे कहाँ क्या चेक करना है आपने मीटर कंसोल के अंदर, जो सबसे मेन चीज़ है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते मीटर कंसोल की तरफ। मीटर कंसोल में हमें क्या क्या देखना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी बता देते हैं आपको। क्योंकि जो मीटर कंसोल है इसका बहुत बड़ा रोल है आगे इंजन के साथ, क्योंकि ये जो गाड़ियाँ आती हैं आजकल ये सारी ECM वाली गाड़ियाँ होती हैं, तो इसका सीधा सीधा इस गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम आने वाली है या गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ चुकी है वो आपको मीटर में ही पता लग जाता है। तो इसलिए आपको मीटर को इग्नोर ना करें, उसको ज़रूर देखें। नहीं नॉलेज है तो आप किसी को ले जाएं, वो दिखा देगा आपको। मैं बताया था आपको कैसे चेक करना है, आप भी चेक कर सकते हैं आसान तरीके से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी का स्विच ऑन है, गाड़ी के अंदर जितनी भी लाइटें आ रही हैं सारी की सारी आनी चाहिए, जैसे कि अभी आ रही हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ किस किस चीज़ की लाइटें आ रही हैं। जैसे कि सबसे पहले ये लाइट आ रही है, गेट हमारा खुला हुआ है एक, ये देखिए, तो उसकी लाइट आ रही है सबसे पहली लाइट। दूसरी लाइट ये तेल की लाइट है इंजन ऑयल की, उसके बाद ये है इसकी बैटरी की लाइट, ये दूसरी लाइट जो बैटरी की है, तीसरी लाइट हैंड ब्रेक की, और चौथी जो लाइट आ रही है वो सीट बेल्ट की लाइट है। तो अब दिखाते हैं आपको इसमें देखना क्या क्या है। तो सबसे पहले गाड़ी को मैं स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद देखते हैं कौन कौन सी लाइट जा रही है और कौन कौन सी लाइट रह रही है। तो गाड़ी को ये स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद गाड़ी के अंदर मीटर के अंदर एक भी लाइट नहीं आनी चाहिए, चाहे जैसी मर्जी लाइट हो नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले ये गेट की लाइट आ रही है तो हम गेट को कर देते हैं बंद। संजय भाई बंद कर दीजिए एक बारी। तो देखिए पहली लाइट चली गई है, दूसरी लाइट है अपनी हैंड ब्रेक की लाइट है, तो हैंड ब्रेक को हम कर देते हैं डाउन, ये दूसरी लाइट भी चलेगी। तीसरी लाइट है हमारी सीट बेल्ट की, तो वो भी सीट बेल्ट लगा लिया हमने, तीसरी लाइट भी गायब हो गई। आप देख सकते हैं कि मीटर में अब इसके अलावा कोई भी लाइट नहीं आ रही है, इसका मतलब इंजन इसका एकदम ओके है। बाकी चीज़ें भी इसकी ओके एकदम, ना कोई ECM की लाइट है, ना कोई ABS की लाइट आ रही है, ना ही कोई इसमें बैटरी की लाइट आ रही है, इसका मतलब ये इंजन ओके है। आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको दिखाया हमने कि सेकंड हैंड गाड़ियाँ परचेज करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको नॉलेज काम की होगी, आपको सब कुछ समझ आ गया होगा कि मैं आपको क्या क्या समझाना चाहता हूँ, आप समझ चुके होंगे। तो बस यही चीज़ें होती हैं छोटी छोटी। तो दोस्तों बने रहे डिस्टिन व्हील्स के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।